बिल्कुल पूजा, राकेश टिकैत का मन नहीं मान रहे, और आगे इसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि आज दिन की सबसे बड़ी खबर यही है। लेकिन उत्तर प्रदेश से, चूंकि यूपी से राम राम इस वक्त हम कर रहे हैं और ये राम राज्य की स्थापना यहाँ पर हुई कैसे, इससे जुड़ी हुई खबर भी जान लेना बहुत जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम, उनकी तरफ से बयान सामने आया है और इसी बयान के बाद बखेड़ा भी खड़ा हो गया। बड़ी खबर दर्शकों को इस वक्त मैं बता दूं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है तंज कसते हुए सपा के ऊपर और अखिलेश यादव के ऊपर कि लुंगी और जालीदार टोपी वाले गुंडों से बीजेपी ने निजात दिलाई है। ये बात कही है केशव प्रसाद मौर्य ने। पहले ये गुंडे सड़कों पर खुलेआम घूमा करते थे, व्यापारियों के हाथों में हथियार लेकर उन्हें डराया धमकाया करते थे, और इन्हीं गुंडों से, लुंगी वाले और ये जो जालीदार टोपी वाले, इनसे निजात बीजेपी की सरकार ने दिलाई है। करिश्मा प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, देखिए कल भी हमने किस तरह से जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनी हुई है उसे लेकर के लोग क्या सोचते हैं, इसे लेकर के बाकायदा ग्राउंड रिपोर्ट की थी। अब केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान कि जालीदार टोपी और लुंगी वाले गुंडों से बचाया है बीजेपी ने, चुनाव नजदीक है, बखेड़ा होना ही है। बिल्कुल शालिनी, सबसे पहले तो आपको प्रयागराज से राम राम और साथ ही मेरे सभी दर्शकों को यूपी से राम राम। देखिए इस बयान को इस तरीके से देखा जाता है, प्रयागराज में दरअसल देखिए मंडल स्तरीय व्यापारी सम्मेलन था और खुद से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पे पहुंचे। व्यापारियों के वोट बैंक को साधने की कोशिश हम कह सकते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, अखिलेश की अगर सरकार थी तो उस समय किस तरीके से व्यापारियों को डराया जाता था और यही जो बदमाश है ये आते थे, रंगदारी वसूलते थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो इन बदमाशों से यहां पर इन व्यापारियों को मुक्त कराया गया, तो ये साफ तौर से इस बयान का मतलब था। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है।